और बिहार में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने उद्योग को लेकर उद्यमियों की जमीन उपलब्ध करवाने का वादा करते हुए कहा कि बिहार में लगातार उद्यमी पूंजी निवेश करने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं और अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर कहा कि इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं सुनने में आया है कि पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ताकि बिहार को फायदा मिल सके। पीएम मोदी ने जनता से रोजगार और महंगाई को लेकर जो वादा किया था उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जब चुने गए तो कहीं जाएंगे, उनके लिए क्या बात करना है? वो आएंगे, हो सकता है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आ रहे हैं। पिछले बार तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो नौकरी पूरा करके आ रहे हैं बिहार में। आपको नहीं पता है यू जो कहे हैं कि आपदा में कि नहीं हम जितना मदद करेंगे वो करने के लिए आ रहे हैं, और इतना बढ़िया मुरेठा बांध बांध करके लोग काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? गांव में हर एक आदमी मुरेठा बांध के ही काम करता है, तो देख ही रहे हैं। लेकिन जो संस्कृति है वो एक अलग संस्कृति के तरफ जो ले जा रहा है, वो जनता इससे खुश नहीं है, जनता बहुत नाराज है। और नाराजगी के साथ हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के विशेष राज्य की दर्जा का अनाउंस होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना का उनको करना चाहिए, और जो रुका हुआ है भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार का जल्द से जल्द अनाउंस करें, ताकि जितने 38 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो उनका सोच है वो धरातल पर उतरे, नहीं तो विपरीत काम करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है।